चैप्टर नंबर 4.3 इंटेलेक्चुअल रबिश. इट मींस जो भी आपके माइंड में, इंटेलेक्चुअल मींस द थिंग रिलेटेड टू थिंकिंग कैपेबिलिटी. ओके, सो आपके माइंड से रिलेटेड जो भी थॉट्स है, जो रबिश है, मींस जो सुपरस्टिशंस है, जो अदर नॉनसेंस बिलीव्स है, सो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है. ओके, फर्स्ट, टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड आर प्रोन, नो सुपर ह्यूमन जीनियस इज रिक्वायर्ड. अ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू नॉट फ्रॉम ऑल एरर बट फ्रॉम सिली एरर. ओके, मीन्स अवॉइड करना जो फुलिश ओपिनियंस है, जिसके बारे में चैप्टर है. तो मैनकाइंड जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, दैट इज उसके जो फुलिश ओपिनियंस है, राइट, तो उसके लिए किसी सुपर ह्यूमन की जरूरत नहीं है, बट उसकी कुछ सिंपल रूल्स, कुछ सिंपल अंडरस्टैंडिंग्स आपको उस चीज़ से बचा सकते हैं. नॉट कंपल्सरली फ्रॉम ऑल, बट एटलीस्ट फ्रॉम सम सिली एरर, सम सिली ओपिनियंस. ओके, ये कह रहे हैं फर्स्ट पैसेज, फर्स्ट पैराग्राफ. इफ द मैटर इज वन दैट कैन बी सेटल्ड बाय ऑब्जर्वेशन, मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ. एरिस्टोटल कुड हैव avoided the mistake of thinking that women have fewer teeth than men by simple advice of asking Mrs. Aristotle to keep her mouth open while he counted. He did not do so because he thought he knew, thinking that you know when in fact you don't is a fatal mistake to which we are all prone. I believe myself that hedgehogs eat black beetles because I have been told that they do. But if I were writing a book on the on the habits of hedgehogs, I should not commit myself until I had seen on enjoying this unappetizing diet. Aristotle, however, was less cautious. Okay, now ab isme example se mention kiya hua hai, dekho ke agar koi matter, matlab koi problem hai, agar aapko kisi cheez se related doubt hai, तो आप सिंपली क्या करो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है, सो मेक द ऑब्जर्वेशन योरसेल्फ. पहले आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर कोई कंक्लूजन पे आओ. जैसे कि एग्जांपल की मैंने जो एरिस्टोटल है, उसका क्या बिलीव था कि वो ये अवॉइड कर सकता था, उसका जो फॉल्स बिलीव था कि वुमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मैन, मतलब उसको ऐसा लगता था कि जो वुमन है उनके पास कम टीथ होता है मैन से, तो वो कैसे अवॉइड कर सकता था, जस्ट सिंपली चेकिंग द माउथ ऑफ अर मिसेस, राइट, ऑफ हिज मिसेस. तो उनकी जो मिसेस थी, उनका माउथ अगर चेक करता था तो उनको समझ आ जाता था, राइट. सो ही डिड नॉट डू सो बिकॉज ही थॉट ही न्यू. अब उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि वो सब जानता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होता है अगर आपको कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है. थिंकिंग दैट यू नो वैन इन फैक्ट यू डोंट इज़ अ फैटल मिस्टेक टू विच वी ऑल आर प्रॉन. हाँ, इसकी हम ऑल ह्यूमन्स को आदत है इन जनरल कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, राइट, बट ऐसा नहीं होता है. दैट इज़ अ फैटल मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी. हमें अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दैट वी नो ऑल द थिंग्स. हमें उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए पहले, उसके बाद कोई कंक्लूजन पे आना चाहिए. नाउ द राइटर सेज, अब क्या बोल रहा है राइटर, आई बिलीव माई सेल्फ दैट हेडजॉग्स ईट ब्लैक बीटल्स. मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ कि हेडजॉग्स क्या करते हैं, ब्लैक बीटल्स को ईट करते हैं, बट मैंने ये कभी देखा नहीं है. तो इसके लिए जब मैंने उनके बारे में बुक लिखी हेजॉग्स की हैबिट्स के बारे में, मैंने उसमें वो इंक्लूड नहीं किया बिकॉज मैंने वो कभी देखा नहीं है. सो हाउएवर, इस तरीके से अगर हमें कोई चीज़ पता नहीं है तो हमें उसके बारे में मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए या फिर लिखना नहीं चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वो क्या बोल रहा चाह रहे राइटर, ऑब्जर्वेशन, मेक ऑब्जर्वेशन योर सेल्फ. नेक्स्ट, मैनी मैटर्स हाउएवर आर लेस इजीली ब्राउट टू द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस If like most of mankind you have passionate convictions on many such matters. Means बहुत सारे ऐसे matters होते हैं जो easily क्या कर सकते हैं, experience कर सकते हैं, हम जिसके ऊपर test कर सकते हैं, right? If like most of mankind you have passionate convictions on many such matters, और आप हो सकता है passionate भी हो उस चीज़ के बारे में, there are ways in which you can make yourself aware of your own bias. मतलब ऐसे भी बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें आप खुद को इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अवेयर कर सको. इफ एन ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री, दैट इज़ अ साइन दैट यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर ऑफ हैविंग नो गुड रीजन फॉर थिंकिंग एज यू डू. अच्छा, अगर आपका कोई ओपिनियन है, ठीक है, ओपिनियन है और उसके अगेंस्ट कोई बोल रहा है और अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस बात पे, तो इट मीन्स इट इज़ अ साइन दैट यू आर सबकॉन्शियसली अवेयर. मतलब आपको पूरी तरीके से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ के ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उस पर एंग्री हो रहे हो, एंगर शो कर रहे हो, सो दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ सच थिंग. इफ समवन मेंटेन्स दैट 2 and 2 are 5 और दैट आइसलैंड इज ऑन द इक्वेटर, यू फील पिटी रादर देन एंगर.
unless you know so little of arithmetic or geography that his opinion shakes your own contrary convictions. Okay, means अगर कोई ये बोले कि टू और टू क्या होते हैं, फाइव होते हैं, तब समझ में आता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अर्थमेटिक आप जानते हो और ज्योग्राफी भी आपको पता है कि जो आइसलैंड है वो क्या इक्वेटर पे नहीं हो सकता है. तो ये सारी चीज़ों के बारे में चलो ठीक है, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, यू नो अर्थमेटिक एंड ज्योग्राफी, तो आप उसको अपोज कर सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द थिंग द मोस्ट सेविज कंट्रोवर्सीज आर दोज अबाउट मैटर्स टू विच देर इज नो गुड एविडेंस आइदर वे. हाँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है ना मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी की, तो आपको पता है सेवेज कॉन्ट्रोवर्सीज मीन्स मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ पर आपको कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं होता है, आपके पास एविडेंस नहीं होता है. सो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ गेटिंग एग्री अबाउट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बी ऑन योर गार्ड. यू विल प्रोबेबली फाइंड ऑन एग्जामिनेशन दैट योर बिलीफ इज गोइंग बियॉन्ड दैट वॉट द एडवाइस वॉट द एविडेंस वॉरेंट्स. ओके, तो इसलिए कभी भी ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पता नहीं प्रॉपरली और आप उस पर अपोज कर रहे हो, उस पर एंग्री हो रहे हो, सो आपको क्या करना चाहिए, बेटर फर्स्ट उस चीज के बारे में नॉलेज गेन कर लेना चाहिए. राइट, अ गुड वे ऑफ रीडिंग योरसेल्फ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ डॉगमेटिज्म इज टू बिकम अवेयर ऑफ ओपिनियंस हेल्ड इन सोशल सर्कल्स डिफरेंट फ्रॉम योर ओन. ओके, डॉगमेटिज्म मीन्स आपकी एक मेंटालिटी बन जाती है किसी चीज से रिलेटेड. तो उस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंट सर्कल्स में क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, सोसाइटी के लोगों से मिलना चाहिए. सो अब राइटर बता रहा है व्हेन आई वाज यंग कि वो जब यंग थे, सो आई लिव मच आउटसाइड माई कंट्री, मतलब अपनी कंट्री से आउटसाइड वो ज़्यादा रहे, इन फ्रांस, जर्मनी, इटाली एंड यूनाइटेड स्टेट्स. कौन सी कंट्री में, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, यूनाइटेड स्टेट. आई फाउंड दिस वेरी प्रॉफिटेबल इन डिमिनिशिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलर प्रिजिस. ओके, और उसकी वजह से उन्हें बहुत हेल्प मिली, वो अपने जो थिंकिंग कैपेबिलिटी और उसको और बढ़ा सके. इफ़ यू कैन नॉट ट्रेवल, सीक आउट पीपल विद होम यू डिसएग्री एंड रीड अ न्यूज़पेपर बिलोंगिंग टू अ पार्टी दैट इज नॉट योर्स. ओके, और ट्रैवल नहीं कर सकते हो, वो एक सजेशन भी दे रहे हैं कि इफ ट्रैवलिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो आप क्या करो, ऐसे लोगों से सजेशन लो जो आपके ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, ऐसे न्यूज़पेपर रीड करो जो किसी और पर्टिकुलर स्टेट कंट्री से बिलोंग करता है दैट इज नॉट योर्स, ताकि आपको दूसरे दूसरे ओपिनियंस का पता चल सके. राइट, इफ द पीपल एंड द न्यूज़पेपर सीम मैड, प्रिवर्स एंड वीक, रिमेन योरसेल्फ दैट यू सीम टू सो दैट. ओके, अगर आपको उस चीज़ के बारे में फिर तब भी रॉन्ग लगता है, तब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर सकते हो. इन दिस ओपिनियन बोथ पार्टीज में बी राइट बट दे कैन नॉट बोथ बी रॉन्ग. हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रहे हो आपके कल्चर में, किसी और के कल्चर में, तो दोनों राइट हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पर, बट दोनों रॉन्ग नहीं हो सकते, कोई एटलीस्ट एक राइट होगा. दिस रिफ्लेक्शन शुड Becoming aware of foreign custom, however, does not always have a beneficial effect. Okay, अगर foreign customs के बारे में आपको पता है तो अच्छी बात है, बट हमेशा beneficial हो जरूरी नहीं है. In the 17th century, when the Manchus conquered China, अब देखो 17th century का भी incident बता रहे हैं, जब Manchus ने China को जीता था, China पे concurrence था, gain की थी. It was the custom among the Chinese for the women to have small feet and among the Manchus for the men to wear पिगटेल्स. ओके, ये उनका मतलब कल्चर था चाइनीज का, कि जो वुमेन है उनके स्मॉल फीट होंगे, मैंचूस के जो मैन होंगे वो क्या करेंगे, पिगटेल वेयर करेंगे, उनका कॉस्ट्यूम ऐसा था. इंस्टेड ऑफ ईच ड्रॉपिंग देयर ओन फुलिश कस्टम, दे ईच अडॉप्टेड द फुलिश कस्टम ऑफ अदर, मतलब कि उनका खुद का कस्टम बनाने के बजाय उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर फुलिश कस्टम को अडॉप्ट कर लिया, मतलब अपना लिया. एंड द चाइनीज कंटिन्यू टू वेयर पिगटेल्स अंटिल द शुक ऑफ द डोमिनियन ऑफ द मैंचूस इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1918 और 1911, और जब तक उनको जो मैंचूस थे उनसे रिलीज नहीं मिला 1911 तक, तब तक उन्होंने उनका वो डोमिनेटिंग कल्चर, वो जो फुलिश कल्चर था वो फॉलो किया था. ओके, सो ये भी क्या है, एक इंटेलेक्चुअल रविश है, मीन्स आपका एक फॉल्स ओपिनियन है, आप खुद का कुछ मतलब उन्होंने क्या किया, खुद की कोई कल्चर नहीं बनाया, खुद के कोई कल्चर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने दूसरों के कस्टम को, फुलिश कस्टम को फॉलो किया. राइट, फॉर दोज हु हैव इनफ psychological imagination, it is a good plan to imagine an argument with a person having a different bias. Okay, अब देखो जिसके पास सब psychological imagination power good है, तो वो क्या कर सकता है, अपने से, जैसे कि आप debate जानते हो जिसमें क्या होता है, एक person किसी particular topic के favor में बोलता है और एक person opposite में बोलता है. right, तो इस तरीके से जब आप अपने से opposite जाने वाले person के साथ क्या करोगे, discussion करोगे, argument करोगे, so you will have an advantage, आपको उसके भी views पता चलेंगे. This has one advantage and only one. क्या advantage है? As compared with actual conversation with opponents, this one advantage is that the method is not subject to the same limitations of time and space. Mahatma Gandhi deplored railways and steamboats and machinery. He would have liked to
अंडर द होल ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. मतलब कि आपको क्या कर सकते हो, आप खुद के व्यूज के साथ साथ दूसरों के व्यूज की भी नॉलेज रख सकते हो. अब महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, देखो, डिप्लॉयड किया था रेलवेज और स्टीम बोट्स एंड मशीनरी को, और वो करते थे, ही वुड हैव लाइक्ड टू अंडू द होल, मतलब अंडू मींस के वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पहले जैसा करना चाहते थे. यू मे नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्चुअली मीटिंग एनी वन हु होल्ड्स दिस ओपिनियन, बिकॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज मोस्ट पीपल टेक द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक फॉर ग्रांटेड. क्या करते हैं जो वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो क्या करते हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वो यूज करते हैं, राइट. बट इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर राइट इन एग्रीइंग विद द प्रिवेलिंग ओपिनियन, यू विल फाइंड अ गुड प्लान टू टेस्ट द आर्ग्यूमेंट्स दैट अकर यू टू यू बाय कंसीडरिंग व्हाट गांधी जी माइट हैव सेड इन द रिप्यूटेशन ऑफ देम. ओके, और जो अगर आपको प्रॉपर एक्यूरेट नॉलेज चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी ने एक्चुअली कौन से उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके कौन से पर्सपेक्टिव थे, और उस रिपीटेशन के टाइम उन्होंने क्या कहा था वो आपको मालूम होना चाहिए, तब आप उनके एग्जाम्पल को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. आई हैव समटाइम्स बीन लेड एक्चुअली टू चेंज माई माइंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेजिनरी डायलॉग, एंड शॉर्ट ऑफ दिस आई हैव फ्रीक्वेंटली फाउंड माई सेल्फ ग्रोइंग लेस डॉगमेटिक एंड पॉस्चर थ्रू रियलाइजिंग द पॉसिबल रीजनेबलनेस ऑफ अ हाइपोथेटिकल अपोनेंट. और वो खुद भी बता रहे हैं कि मैं भी कभी कभी इस सारी चीज़ों को क्या करता हूँ, जो अलग अलग व्यूज है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज, उनको समझने की कोशिश करता हूँ, और इसी वजह से जो डॉगमेटिक है, जो थाट्स है और जो इमेजिनेशन है वो मेरे माइंड से क्या करते हैं, निकलते हैं. ओके, नेक्स्ट, बी वेरी वॉरी ऑफ ओपिनियंस दैट फ्लटर योर सेल्फ स्टीम. बी वेरी वॉरी, वॉरी मतलब क्या होना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, परेशान होना. ऐसे ओपिनियंस जो क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टीम है, जो सेल्फ स्टीम है. बोथ मैन एंड वुमेन 9 times out of 10 आर फर्मली कन्विंस ऑफ द सुपीरियर एक्सीलेंस ऑफ देयर ओन सेक्स. अब देखो क्या मतलब कि अपने ओन जेंडर, मैन और वुमेन के बारे में ये क्या थॉट है कि उनका खुद का जेंडर क्या है, सुपीरियर है. देयर इज अबंडेंट एविडेंस ऑन बोथ साइड्स. इफ यू आर अ मैन मीन्स दोनों तरफ क्या है, इक्वली. ओके, नाउ देयर इज अबंडेंट एविडेंस ऑन बोथ साइड्स. इफ यू आर अ मैन मीन्स दोनों के भी पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि इफ यू आर अ मैन यू कैन पॉइंट आउट दैट मोस्ट पोएट्स एंड मैन ऑफ साइंस आर मेल्स. मीन्स के पीपल की एक मेंटेलिटी सेट हो जाती है बेस्ड ऑन द जेंडर, कि अगर आप मैन हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे जो पोएट्स, ग्रेट पोएट्स रह चुके हैं, ग्रेट साइंटिस्ट रह चुके हैं, वो क्या थे, मेल थे. इफ यू आर अ वुमेन यू कैन रिट्रॉट दैट सो आर मोस्ट क्रिमिनल्स. और अगर आप वुमेन हो तो आपको लगेगा कि बहुत से मैंस भी तो है क्रिमिनल्स. मीन्स आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर चीज में कोई ना कोई ड्रॉबैक फाइंड करोगे. दिस क्वेश्चन इज इनहेरेंटली इनसॉल्युबल बट सेल्फ स्टीम कंसील दिस फ्रॉम मोस्ट पीपल. तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की क्या होती है, मेंटालिटी होती है. वी आर ऑल वट एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी कम फ्रॉम प्रिसोडेड दैट आवर ओन नेशन इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स. अब नाउ इट कम्स टू अ कंट्री. अब देखो जैसे कि एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है हम, बट एक ऐसा इंडिपेंडेंट नेशन, हम ये क्या सोचते हैं कि हमारा नेशन क्या सुपीरियर है टू ऑल अदर्स. सीइंग दैट ईच नेशन हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, वी एडजस्ट आवर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू सो एज टू मेक आउट दैट द मेरिट्स पोजेस्ड बाय आवर नेशन आर द रियली इंपॉर्टेंट वंस, व्हाइल इट डिमेरिट्स आर कंपैरेटिवली ट्रिवियल. मीन्स आप ये सोचोगे कि ठीक है, हर नेशन का कुछ ना कुछ अपना एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज है, बट कंपैरेटिवली टू अदर नेशन वो क्या है, ज़्यादा एडवांटेजेस हमारी कंट्री से जो लोगों को मिल रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं मटेरियल, वो ज़्यादा हमारी कंट्री से क्या होने वाले वैल्यूएबल चीज़ें हैं. तो आप ये क्या करोगे, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ योर नेशन सुपीरियर, हियर अगेन द रेशनल मैन विल एडमिट दैट द क्वेश्चन इज वन टू विच देर इज नो डेमोन्स्ट्रेबली राइट आंसर. इट इज मोर डिफिकल्ट टू डील विद द सेल्फ स्टीम ऑफ एज मैन बिकॉज वी कैन नॉट आर्ग्यू आउट द मैटर विद सम नॉन ह्यूमन माइंड. मीन्स हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे नॉन ह्यूमन माइंड है, जो मीन्स वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते. द ओनली वे आई नो ऑफ डीलिंग विद दिस जनरल ह्यूमन कंसेप्ट इज टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट मैन इज अ ब्रीफ एपिसोड इन द लाइफ ऑफ अ स्मॉल प्लैनेट इन अ लिटिल कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स. अच्छा, अब ऐसे लोगों से आप आर्ग्यू कर रहे हो तो सिर्फ एक ही चीज़ मैं क्या कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ कि जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, वो क्या है, एक स्मॉल प्लैनेट के एक लिटिल कॉर्नर में, जो यूनिवर्स के है, राइट, स्मॉल प्लैनेट है, इसके लिटिल कॉर्नर में है. एंड दैट फॉर ऑट वी नो अदर पार्ट्स ऑफ द कॉस्मोस में कंटेन बिग बींग्स एज सुपीरियर टू आवर सेल्स एज वी आर टू जेली फिश. ओके, मीन्स वो क्या कर लेंगे, सोच लेंगे कि हम क्या है, सुपीरियर है. ह्यूमन बींग्स भी देखो आप सोचते हैं कि हम क्या है, सुपीरियर है, राइट, टू ऑल अदर एज कम्पेयर टू ऑल अदर एनिमल्स. सो ये सारी चीज़ें क्या है, वी शुड अवॉइड. अदर पैशन बिसाइड सेल्फ स्टीम
Other passions besides self-esteem are common source of error. Of this, perhaps the most important is fear. Okay, अब बहुत सारी other factors हैं जो क्या करते हैं इस चीज़ में contribute करते हैं, जिसमें से एक important factor perhaps means surely क्या है? Fear. Fear sometimes operates directly by inventing rumors of disaster in war time. Means बहुत सारी जो fear है वो generally कभी कभी कब create होते हैं, invent होते हैं rumors से, जैसे कि डिजास्टर हो रहा है जो वॉर टाइम पे, और बाय इमेजिनिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेरर, और जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या कर रहे हैं टेरर फियर क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में, सच एज गोस्ट, समटाइम्स इट ऑपरेट्स इनडायरेक्टली, जैसे कि गोस्ट राइट, इट्स जस्ट अ रूमर, बाय क्रिएटिंग बिलीफ इन समथिंग कम्फर्टिंग सच एज द एलिक्सर ऑफ लाइफ और हेवन्स फॉर आवरसेल्व्स एंड हेल्प फॉर और एनिमीज, मीन्स हम क्या कर रहे हैं लोगों को फिर डरा रही है ये बोल करके हमारे लिए हेवन है और आपके लिए क्या है हेल है, हम दुश्मनों के लिए एनिमीज के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है कहीं ना कहीं टेरर, ये जो रूमर्स है वो टेरर है फियर क्रिएट कर रही है. सो फियर हैज मेनी फॉर्म्स, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ दैट वैग्यू जनरलाइज फियर दैट कम्स टू दोज हू कंसील फॉर देमसेल्फ देयर मोर स्पेसिफिक टेरर्स, मीन्स फियर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लाइक डार्कनेस का किसी को फियर होता है, किसी को अगर कोई चीज़ पता नहीं तो उस चीज़ से वो डरता है, मीन्स नॉलेज नहीं है राइट, फियर ऑफ डेथ एंड मेनी अदर मोर. You have guarded yourself by a difficult effort of will against their might-making power. You cannot hope to think truly about many matters of great importance, especially those with which religious beliefs are concerned. Okay, means आप बहुत सारे important topics पर एक साथ नहीं सोच सकते, right? और especially जो religious beliefs के बारे में होते हैं, जो views. Fear is the main source of superstition. और fear ही है जो main source है superstition का, false belief का, जो लोगों के अंदर बहुत सारे false opinions होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है, पर्सपेक्टिव होती है, लाइक सुपरस्टिशन, वो उसका भी मेन कॉज क्या है, दैट इज़ फियर फॉर एग्जांपल, एंड वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ क्रियोलिटी, और एक और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स उसमें से क्या है, क्रियोलिटी. टू कंक्योर फियर इज द बिगनिंग ऑफ विजडम, अपने फियर के ऊपर अगर आप क्या कर रहे हो, कंक्योर मीन्स अगर आप जीत हासिल कर रहे हो अपने फियर के ऊपर, तो उससे क्या हो रही है, विजडम की शुरुआत हो रही है. विजडम मीन्स के कैपेबिलिटी, आप अच्छे से किसी चीज़ के बारे में सोचकर इंटेलिजेंटली कोई डिसीजन ले सको, अगर आपने अपने फियर के ऊपर जीत हासिल कर लिए, इफ़ यू हैव कंक्योर योर फियर देन ओनली यू कैन थिंक वाइजली, आप वाइजली सोच सकते हो. इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एज इन एन एंडीवर आफ्टर अ वर्थी मैनर ऑफ लाइफ, और अच्छी तरीके से आप लाइफ स्पेंड कर सको विजडम के साथ, ठीक है. देर आर टू वेज ऑफ अवॉइडिंग फियर, ओके, फर्दर दो वेज है फियर को अवॉइड करने के. वन इज़ बाय persuading ourselves that we are immune from disaster, means के ये सोचना कि हम हर disaster, हर problem से क्या है safe है, तो ये चीज़ हो गई. and the other is the by practice of sheer courage, practice of sheer courage मतलब अच्छा ठीक है, अगर first condition ये है कि हम हर चीज़ से safe है, और second अगर कोई problem आ भी रही है, कोई disaster आ भी रहा है, तो हमारे अंदर क्या है sheer courage, हम क्या है इतने capable है कि उसको क्या करें face कर सके. तो अगर आप ये fear, ये दोनों fear के ऊपर, इन दो ये दो थिंकिंग के थ्रू क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो फियर को, ये दो थिंकिंग से, एक तो आप क्या हो सेफ हो, इम्यून मतलब सेफ हो आप उस डिजास्टर से, और दूसरा उस डिजास्टर को फॉलो करने के लिए रेडी हो, करेज फुल हो राइट. द लेटर इज डिफिकल्ट एंड टू एवरीबडी बिकम्स इम्पॉसिबल एट अ सर्टेन पॉइंट, द फॉर्मर हैज देयरफॉर ऑलवेज बीन मोर पॉपुलर. प्रिमिटिव मैजिक हैज द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी आइदर बाय इंश्योरिंग एनिमीज और बाय प्रोटेक्टिंग oneself by talismans, spells or incantations. ओके, नाउ यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, कभी कभी ये क्या हो जाता है लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और कुछ कुछ लोगों के लिए इम्पॉसिबल भी होता है एट अ सर्टेन पॉइंट. सो द फॉर्मर हैज देयरफॉर ऑलवेज बीन मोर पॉपुलर, और बहुत से लोग क्या है इस बारे में, फॉर्मर मीन्स जो पहले रह चुके हैं राइट, जिन्होंने इस चीज़ में कंट्रोल रखा है, तो वो क्या है पॉपुलर हो चुके हैं. द प्रिमिटिव ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी आइदर बाय इंश्योरिंग एनिमल्स और बाय प्रोटेक्टिंग वन सेल्स. अब देखो दो चीज़ें, आप क्या करो इंज्योर करो एनिमीज को, या फिर खुद को क्या करो प्रोटेक्ट करो बाय यूजिंग स्पेल्स, इंसेंटेशंस. इंसेंटेशन का मतलब होता है कोई पावरफुल वर्ड्स, कोई रिलीजियस वर्ड्स आप क्या करो रिपीट कर रहे हो बार बार टू सेव योरसेल्फ राइट. सो विदाउट एनी एसेंशियल चेंज बिलीव इन सच वेज ऑफ अवॉइडिंग डेंजर सर्वाइव थ्रू आउट
द मैनी सेंचुरीज ऑफ सिविलाइजेशन. और ऐसे ही बहुत से लोगों ने क्या किया है, खुद को प्रोटेक्ट किया है. साइंस हैज़ नाउ लेसन द बिलीफ इन मैजिक. अब साइंस का जो बिलीफ है वो मैजिक में कम हो चुका है कहीं ना कहीं. बट मैनी पीपल प्लेस मोर फेथ इन मैस्कॉट्स देन दे आर विलिंग टू एवो. नाइदर अ मैन नॉर अ क्राउड नॉर अ नेशन कैन बी ट्रस्टेड टू एक्ट ह्यूमनली और टू थिंक सेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट फियर. ओके, और अब क्या हो रहा है, बहुत से लोग इस चीज़ पे मानते भी है और साइंस क्या है कहीं ना कहीं लेस कर दिए इस बिलीफ में मैजिक में. एंड फॉर दिस रीजन पल्ट्रून्स आर मोर प्रॉन टू क्रियोलिटी देन ब्रेव मैन एंड आर ऑल्सो मोर प्रॉन टू सुपरस्टिशन. और इसी वजह से बहुत से लोग क्या है सुपरस्टिशंस के क्या हो चुके हैं, आदि हो चुके हैं इस चीज़ के, राइट. उनको आदत हो चुकी है बहुत सारी फॉल्स बिलीफ की. बट वी हैव बीन गेटिंग टू सोलमन. सुपरस्टिशन आर नॉट ऑलवेज डार्क एंड क्रियोल. मीन्स अब वो बता रहे हैं राइटर की सुपरस्टिशन हमेशा डार्क और क्रियोल ही नहीं होती है. कुछ कुछ देखो यहाँ पे, ऑफन दे ऐड टू द गेटी ऑफ लाइफ. आई रिसीव्ड वन वंस अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गॉड और सीरीज गिविंग मी हिज टेलीफोन नंबर. ओके, अब कभी कभी देखो क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि उन्होंने एक कम्युनिकेशन की थी फ्रॉम द आई रिसीव्ड वंस अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गॉड ऑसिरिस गिविंग मी हिज टेलीफोन नंबर, जिसमें उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर दिया था. ही लिव्ड एट दैट टाइम इन अ सबर्ब ऑफ बॉस्टन. वो कहाँ रह रहे थे, एक सबर्ब में रह रहे थे, सबर्बन एरिया रहता है ना आउटसाइड सिटी, बॉस्टन के एक सबर्बन एरिया में रह रहे थे. ऑल्दो आई डिड नॉट इनरोल माई सेल्फ अमॉन्ग हिज वर्शिपर्स. मैंने कभी उनको माना नहीं था, मतलब वर्शिपर मतलब उनकी उनको मानने वाले, उनके फॉलोअर्स, राइट, हिज डिवोटीज. सो हिज लेटर गेव मी प्लेजर. बस उसके बाद भी उनका जो लेटर मुझे मिला उससे मुझे खुशी हुई. आई हैव फ्रीक्वेंटली रिसीव लेटर्स फ्रॉम मैन अनाउंसिंग देमसेल्स एज द मसीहा एंड अर्जिंग मी नॉट टू ओमिट द मैंशन दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन माई लेक्चर्स. और मुझे बहुत सारे लेटर्स मिले हैं जो क्या है, मतलब ऑब्वियसली वो कोई ह्यूमन ही होगा बट उसको क्या कंसिडर करते थे लोग एज अ मसीहा एंड ऑल. सो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि हमारे ये सारी जो थिंकिंग है वो हमारी खुद की है, हम किसी चीज़ पे अगर बिलीव करना चाहते हैं या नहीं. तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं, राइट. नेक्स्ट, आई एडमायर स्पेशली अ सर्टन प्रोफेटिस हु लिव्ड बिसाइड अ लेक इन नॉर्दर्न न्यूयॉर्क स्टेट अबाउट द ईयर 1820. अच्छा, अब वो कुछ प्रोफेटिस के बारे में बता रहे हैं जो क्या 1820 में रह चुके हैं नॉर्दर्न न्यूयॉर्क में. She announced to her numerous followers that she possesses the power of walking on water. उन्होंने क्या किए थे उस टाइम पे, अनाउंस किए थे उनके फॉलोअर्स को कि वो क्या करती है, पावर रखती है किस चीज़ के लिए, वॉकिंग ऑन वाटर मतलब वो पानी पर चल सकती है. एंड दैट शी पोजेस्ड प्रपोज टू डू सो एट 11 o'clock ऑन अ सर्टन मॉर्निंग. और उन्होंने अनाउंस करने के बाद बोला था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी एट 11 o'clock इन अ सर्टन मॉर्निंग. इंसिडेंट बता रहे 1820 का उस प्रोफेटिस के बारे में, राइट. एट द स्टेटेड टाइम The faithful assembled in their thousands beside lake. और जो उनके मानने वाले थे, faithful means जिनको उस चीज़ पर बिलीव था, यकीन था, वो वहाँ पर क्या हो जाते, gather हो जाते at mentioned time पे. She spoke to them saying, Are you all entirely persuaded that I can walk on water without any voice? They replied, We are. अच्छा, वो पूछते अपने followers से कि आप सबको यकीन है कि मैं सच में water पे चल सकती हूँ. तो वो सब जो उनके followers थे वो reply करते हैं, We are. means हमको इस चीज़ पर यकीन है, Yes, we are. Agree with this point, right? In that case, she announced, there is no need for me to do so. अच्छा, वो क्या अनाउंस कर देती कि ठीक है, अगर आपको बिलीव है, मुझ पर इतना बिलीव है तो मुझे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड दे ऑल वेंट होम मच एडिफाइड. अब वो क्या करते हैं, फिर सारे अपने घर चले जाते हैं. Perhaps the world would lose some of its interest and variety if such beliefs were wholly replaced by cold science. अब कुछ चीज़ें हैं कि वो क्या है, वर्ल्ड में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंटरेस्ट क्रिएट करती है. अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी तो इंटरेस्ट लॉस कर देंगे लोग. अगर वो सारी चीज़ें होली दैट मतलब पूरी तरीके से रिप्लेस कर दी जाएगी अगर साइंस से, राइट. अ वाइज मैन विल इंजॉय द गुड्स ऑफ विच देयर इज़ अ प्लेंटीफुल सप्लाई एंड ऑफ इंटेलेक्चुअल रबिश ही विल फाइंड एन अबंडेंट डाइट इन आवर ओन एज एज इन एन एवरी अदर. मीन्स के जो एक वाइज मैन का मतलब क्या होगा, जो इंटेलिजेंट, जिसको हर चीज़ का पता हो क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो क्या करेगा, वो हर एक अच्छी चीज़ को इंजॉय करेगा, प्लेंटीफुल सप्लाई. और जो इंटेलेक्चुअल रबिश है वो क्या करना चाहेगा, अवॉइड करना चाहेगा. मीन्स अपनी हर एक चीज़ में, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्या करेगा, इंटेलेक्चुअल रबिश को अवॉइड करेगा. इंटेलेक्चुअल रबिश मीन्स जस्ट फुलिश पॉइंट ऑफ व्यू. अगर वो एक वाइज मैन है तो वो अपने खुद के व्यूज़ रखेगा, खुद के प्रॉपर. अगर किसी चीज़ के बारे में उसे कोई डिसीजन लेना है तो वो क्या करेगा, पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, एंड देन ही विल टेक अ डिसीजन. ओके.